सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुर्ती का एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर के आया हूँ। ये जो हम डिजाइन तैयार करेंगे, ये फ्रिल के साथ में, लेस के साथ में और बटन के साथ में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने बारीक लेस ली हुई है, बहुत प्यारी सी ये लेस होगी और ये 5 रुपीज मीटर वाली लेस है, बिल्कुल सस्ते वाली। लेकिन इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे आप देखोगे, बहुत ही प्यारा सा हम डिजाइन तैयार करेंगे इसको लगाते हुए। एक हमने यहाँ पे सेम इसी कलर के हमने बटन लिए हुए हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे कुर्ती में कलर आप देख पा रहे हो वही कलर हमें यहाँ पे यूज करना है। एक हमने यहाँ पे ये पट्टी ली हुई है, ये हमने फ्रिल बनाने के लिए ली हुई है। इस पट्टी की अगर चौड़ाई की बात करें तो हमारी ये 3 इंच की होगी, इस तरीके से 3 इंच की चौड़ाई है और काफी लंबाई वाली पट्टी है, तकरीबन 2 मीटर की है। एक हमने यहाँ पे बुकरम ली हुई है, बुकरम में से हमें कटिंग करनी है नेकलाइन की। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों ब्रॉड लेंथ का निशान लगाते हैं, जैसे हमें 6 इंच रखना है तो हम 3 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। जो डीप लेंथ रखनी है हमें 7.5 रखनी है तो हम 8 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच का गैप रखेंगे और यहां से हम इस प्रकार की शेप डालेंगे। यहाँ पे आप स्वीट हार्ट भी डाल सकते हो, उसे वो आपकी इच्छा है। ऊपर से नीचे की साइड तक देखेंगे, जहां तक कमर होती है 14 से 14.5 तक रखेंगे और यहाँ पे ये निशान हम सीधा लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारी फुल लेंथ वाला नेकलाइन होगी, ये हमारा तैयार आएगा। जो बीच में गैप आएगा उसमें हम पट्टी लगाते हुए बटन कंप्लीट करेंगे। अब हम बाहर की साइड एक निशान लगाते हैं, ये निशान हम 1.25 इंच के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। इन निशानों को भी एक दूसरे निशान से मिलाते हैं ताकि हमें कटिंग में दिक्कत ना आए। इस तरीके से निशान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करनी होगी। यहां पे बड़े ही ध्यान से कटिंग करेंगे। अब हम बाहर वाले निशान पे कटिंग करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने नेक लाइन अपनी यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हमें जो हमने गला ये कटिंग किया है इसको पेस्ट करना है कपड़े के ऊपर। इस तरीके से दोस्तों नेक लाइन हमने यहाँ पे पेस्ट कर ली है अपनी। अब हमें इसे बाहर की साइड जो आप कपड़ा देख पा रहे हो इसको फोल्ड करना होता है, तो फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा एक पानी लगाएंगे। पानी से क्या होता है, ग्रिप बन जाती है और यहाँ पे कपड़ा अच्छे से सेट हो जाता है। इस तरीके से हल्का हल्का पानी लगाते हुए प्रेस करेंगे।
स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम ये नेकलाइन तैयार करते हैं। जो हमारे पास ये फ्रंट है ये रोंग साइड रखेंगे, ऊपर की साइड ऐसे उल्टी साइड ऊपर की साइड रखेंगे, और ये हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है गले को, सेंटर पॉइंट का ध्यान रखेंगे और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे क्वार्टर इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कटिंग करते हैं। इसी तरीके से इस साइड से भी कटिंग करेंगे। हमने दोस्तों यहाँ पे कटिंग कर ली है और जहां पे नोक आती है, कोने आते हैं, वहां पे ऐसे कट लगा लिए हैं, और गोलाई पे भी हमने इस तरीके से यहाँ पे कट लगा लिए हैं दोनों जगह। अब हमें इसको पलटना है सीधी साइड में, तो इसको ऐसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हमारी नेकलाइन जो होगी ये सीधी साइड में ऐसे आ जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे हम एक किनारी की सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने किनारी की यहाँ पे सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे बाहर की साइड फ्रिल का काम करना है, तो फ्रिल बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये पट्टी ली हुई है। इसकी जो फोल्ड करने के बाद चौड़ाई 1.5 इंच की होती है, अगर इसको ओपन करके देखेंगे तो ये 3 इंच की होती है। तो हमें यहाँ पे फ्रिल बनानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने पट्टी ली हुई है इसको एक साइड से ऐसे सिलाई लगा लेंगे पूरी पट्टी में। पूरी पट्टी में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। पूरी पट्टी पे दोस्तों हमने यहाँ पे सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे फ्रिल बनानी है, तो यहाँ पे एक साइड में इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और आप ऐसे भी फोल्ड लगा सकते हो या इस तरीके से फोल्ड लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। बस आपने ध्यान ये रखना है बिल्कुल बराबर बराबर गैप रखना होता है और ऐसे फोल्ड लगाते रहना है। तो हमारी यहाँ पे फ्रिल तैयार होती जाती है। इसी तरीके से हम पूरी पट्टी में ये फ्रिल तैयार कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना करके दिखाई है छोटा सा पीस।
तो दोस्तों फ्रिल हमने यहाँ पे तैयार कर ली है, जैसे मैंने आपको थोड़ी फ्रिल बना के दिखाई थी सेम उसी तरीके से। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है थोड़ा थोड़ा हम कटिंग कर देते हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई पहले हम ज़्यादा रखते हैं कपड़े की, फिर बाद में इसको हल्का सा कम कर लेते हैं। जितनी आपने चौड़ाई वाली लगानी होती है उतनी यहाँ पे रखते हुए एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रिल को यहाँ पे ऐसे रखेंगे नीचे की साइड दबाते हुए, और यहाँ पे ध्यान रखना है आपने फिनिशिंग के साथ में बिल्कुल बराबर गैप रखते हुए रखना है फ्रिल को ऐसे, और अब सिलाई से अटैच करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से नीचे रखते हुए और दबाते हुए सिलाई लगाएंगे अच्छे से। अब इस पॉइंट पे आने के बाद हम फ्रिल को यहाँ पे ऐसे रखेंगे और घुमा देंगे। दोस्तों आधे नेक में हमने यहाँ पे फ्रिल अपनी अटैच कर ली है, बाकी के आधे नेक में भी सेम इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों फ्रिल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हमें ऊपर से यहाँ पे लेस लगानी है। ये जो लेस है यहाँ पे एक साइड में ऐसे रखेंगे और सिलाई से अटैच करेंगे। यहाँ पे भी हमें सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी होती है। और इसी तरीके से इस साइड भी गोलाई में घुमाते हुए कंप्लीट करेंगे। आगे भी पूरी लेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों लेस लगाने के बाद ऊपर से लगा दी है हमने ओरे वाली पट्टी, जो कि हमारे यहाँ पे कलर से मैच करती हुई है। तो बहुत प्यारा सा यहाँ तक का डिजाइन हमने किया है कंप्लीट। अब करते हैं हम बीच वाला जो गैप है इसको बंद करते हैं। तो जो हमने बुकरम का पीस कटिंग किया था वही हम यहाँ पे यूज करेंगे अटैच करने के लिए। इसको सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं, ऊपर की साइड सिलाई लगाते हैं। अब इसको हम पलट लेंगे इस तरीके से। पलटने के बाद जहां तक हमारी बुकरम की चौड़ाई और लंबाई होती है हम
उसके बुकरम के साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब जो ये हमारी चौड़ाई होती है बुकरम की, इतनी चौड़ाई हमारी यहाँ पे है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से ही रखेंगे नीचे की साइड ऐसे, और गला भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल फिक्स आएगा जितना हमें डीप रखना होता है, क्योंकि हमने उसी बुकरम का पीस कटिंग किया है जो हमने गले में से निकाली थी, और यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। तरीके से दोस्तों हमने बीच का गैप यहां पे कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों बीच का गैप बंद करने के बाद हमने लगाए हैं ऊपर से 5 बटन जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इस तरीके से हम सिंपल सी लेस और फ्रिल के साथ में बहुत ही प्यारा सा नेक डिजाइन यहां पे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।